हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश लैंग्वेज क्लास. इन टुडेस लेक्चर वी विल लर्न न्यू टॉपिक ऑफ इंग्लिश. ओके, बिफोर दैट ओपन योर दिस कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज लर्निंग सीरीज क्लास वन सेमेस्टर टू. ओके, ये बुक ओपन करो. इस बुक में पेज नंबर 5 to 52 पेज नंबर ओपन करो आज एंड राइट योर नेम एंड टुडेज डेट. अवर हियर अवर टुडेज टॉपिक इज एक्शन वर्ड्स. हम आज के लेक्चर में क्या सीखेंगे? एक्शन वर्ड्स. तो आप सबको एक्शन वर्ड्स मतलब पता है क्या? जिसमें एक्शन आती हो, एक्टिंग करनी हो जिसमें. जैसे कि है ईट. ईट मीन्स खाना खाने की एक्शन आए. ओके, प्ले मीन्स PLAY प्ले मीन्स खेलने की एक्शन. रन, वॉक, उसमें भी आपने फिजिकली एक्शन की, रनिंग की, फिर वॉक यानी कि चलना. ओके, स्पीक, स्पीक यानी कि बोलना. ओके, तो ये सारे कौन से वर्ड्स हैं? एक्शन वर्ड्स. तो हम इस लेक्चर में, ये टॉपिक में, ये एक्शन वर्ड्स कौन से हैं, ओके, वो हम सब सीखेंगे. चलो, नाउ अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन. मैंने वर्ड्स बताए आपको, रन, प्ले, ईट. तो ये जो वर्ड्स हैं जो जिससे हमें एक्शन पता चलती है उनको क्या बोलते हैं? VERB वर्ब बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऐसे वर्ड्स जो हमें एक्शन बताते हैं. अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन. ओके, उसको बोलते हैं वर्ब. चिल्ड्रन, समथिंग दैट यू डू. एक्शन मतलब कि जो आप कर रहे हो. नाउ रीड द वर्ड्स इन ईच लाइन. सर्कल ऑल द वर्ड्स दैट आर वर्ब्स. ओके, किसको सर्कल करना है? जो वर्ड्स क्या है? वर्ब. मीन्स आपको यहाँ पे हर एक लाइन में आपको वर्ड्स जोर से बोलने हैं. अगर उस वर्ड का कोई एक्शन होती है तो वो वर्ब है. और आपको क्या करना है? जो वर्ब है उसके ऊपर सर्कल करना है. ओके, चलो. नंबर वन, SING, सिंग. SING, सिंग. सिंग मतलब गाना गाने की एक्शन. यस, तो ये वर्ब है कि नहीं? यस, तो ये वर्ब है. तो इसके ऊपर हमें क्या करना है? सर्कल. ओके, चलो अभी नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? PLAY, प्ले. प्ले का क्या मतलब होता है? खेलना. तो फिर से एक्शन आई. यस, तो यहाँ पे आएगा सर्कल. क्यों सर्कल कर रहे हैं? क्योंकि ये जो वर्ड दिया गया है वो एक्शन बता रहा है. और जो वर्ड एक्शन बताते हैं वो कौन से वर्ड होते हैं? वो वर्ब्स होते हैं. VERBS, वर्ब. ओके, चलो फिर. RUN, रन. रन मीन्स दौड़ने की एक्शन. यस, तो फिर से ये एक्शन वर्ड है. तो भी ये वर्ब है कि नहीं? यस, ये क्या है? ये वर्ब है. ओके, तो इसके ऊपर सर्कल. क्लियर. फिर फोर्थ वर्ड क्या दिया है? SUN, सन. तो क्या सन वर्ब है? सन एक्शन करता है वर्ड, एक्शन वर्ड है? नहीं, सन तो नाम है. तो फिर वो एक्शन वर्ड नहीं है. ओके, तो ये वर्ब नहीं है, इसलिए इस पे सर्कल नहीं करने. क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया है कि सर्कल ऑल द वर्ड्स दैट आर वर्ब्स. जो वर्ब्स हैं सिर्फ उसी पे ही सर्कल करना है. क्लियर. चलो अभी आगे देखते हैं. नंबर टू, JUMP, जंप. जंप मतलब जंपिंग. ओके,
तो जंप फिर से हमने एक्शन करी, कौन सी एक्शन करी, जंप की, तो जंप क्या हुआ, वर्ब। तो इधर क्या आएगा, सर्कल, क्यों, क्योंकि ये तो वर्ब है। ओके, फिर आता है सीयूटी कट, सीयूटी कट, कट करना मींस एक्शन परफॉर्म करना। ओके, तो फिर से ये क्या हुआ, वर्ब, तो यहाँ पे आएगा सर्कल। फिर एच आई डबल एल हिल, तो हिल तो किसी का नाम है, प्लेस का, यस, तो वो सेक्शन होती है कोई, नहीं, तो फिर यहाँ पे वर्ब है ये, नहीं, तो यहाँ पे सर्कल आएगा, नहीं। फिर नेक्स्ट वर्ड है सी आर वाई क्राई, क्राई मीन्स रोने की एक्शन, तो फिर से एक्शन वर्ड आया, तो एक्शन वर्ड मीन्स वर्ब, तो हाँ ये वर्ब है, तो इसके ऊपर सर्कल। ओके बच्चे, चलो नंबर थ्री, अभी ये थ्री फोर एंड फाइव आपको खुद अच्छे से रीड करना है और सोचना है कि क्या, जैसे कि फ्लाई, फ्लाई की एक्शन करो तो आप ऐसे एक्शन करके दिखाओगे ना, फ्लाई मीन्स उड़ना, ओके, तो वो एक एक्शन है, यस, तो वो वर्ब है, ऐसे आपको रीड करना है, फिर उसको बोलना है, उसका प्रोनाउंस करना है और अच्छे से आपको देखना है, क्लियर। अगर वर्ब है तो सर्कल करना है, वर्ब नहीं है तो कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो नंबर फाइव तक ऐसे ही करना है, फिर नंबर सिक्स में क्या है, ड्रॉ टू एक्शंस एंड राइट अ वर्ड फॉर ईच। आपको यहाँ पे दो बॉक्सेस दिए हैं एंड दो ब्लैंक्स दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी एक्शन ड्रॉ करनी है, जैसे कि ईट, ईट का आप ड्रॉ कर रहे हो, तो उसकी ईटिंग, जैसे कोई खा रहा है वैसी आपको इधर फूड एक्शन, आपको एक ड्राइंग भी ड्रॉ करना है, जैसे कि क्लैप, प्ले, ओके, स्किपिंग, जंपिंग, रनिंग, वॉकिंग। अगर यहाँ पे आप रनिंग लिख रहे हो तो आपको दौड़ने की एक्शन एक्शन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ओके चलो अभी नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5353। चलो इसमें क्या दिया है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। देखो नीचे बहुत सारी पिक्चर्स दी गई है, हाँ दी गई है, फिर एंड राइट द करेक्ट एक्शन वर्ड्स। अभी आपको पिक्चर देख के आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सी एक्शन परफॉर्म हो रही है। ओके, तो आपको हियर आर सम वर्ड्स यू कैन चूज फ्रॉम, तो यहाँ पे आपको वर्ड क्लूज, ये क्या है, डब्ल्यू ओ आर डी वर्ड, सी एल यू ई एस क्लूज, यहाँ पे वर्ड क्लूज मतलब आंसर्स दिए गए हैं ये बॉक्स में, आपको आइडेंटिफाई करना है पिक्चर में कि ये कौन सी एक्शन परफॉर्म हो रही है। ये गर्ल क्या कर रही है, स्किपिंग, ओके, तो आपको ऊपर से ढूंढना है कि स्किपिंग कहाँ लिखा है, ढूंढो, ढूंढ लिया, चलो ये रहा स्किपिंग, तो यहां से फाइंड करके आपको इस वर्ड फोटो पिक्चर के नीचे आपको लिखना है ये गर्ल क्या परफॉर्म कर रही है, स्किपिंग की एक्शन कर रही है, क्या कर रही है, स्किपिंग। ओके, वैसे आपको ये सारे इमेजेस देखने हैं और आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी एक्शन हो रही है। ओके, अगर आपको आ जाता है तो फिर आपको उसके स्पेलिंग्स यहाँ पे बॉक्स में दिए गए हैं, क्लियर, तो यहाँ से आपको नीचे लिखते जाना है। चलो अभी नेक्स्ट पेज है 5454। ओके चलो, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, पहले ये पेज करने से पहले आपको आगे के दो पेज एंड ये थर्ड पेज पे भी आपका नेम एंड डेट लिखना है। ओके, फिर ये आपको ये स्टार्ट करना है, तो इसमें क्या दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एक्शन वर्ड्स, यानी कि एक्शन वर्ड्स आपको दिए हैं, उसमें से आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे कौन सा एक्शन वर्ड प्रॉपर आएगा। चलो हम एक दो करते हैं, नंबर वन क्या है, आई डैश विथ माई माउथ, मैं मेरे माउथ के साथ क्या करता हूं, तो टी ए एल के टॉक,
और JUMP जम्प, ये जो स्लैश का लाइन है ना वो और बोलते हैं, ठीक है, मतलब इन दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं आएंगे आंसर में। माउथ क्या कर सकता है, टॉक, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं यूजिंग मेरा माउथ से भी आपको बता रही हूँ, यस। तो माउथ क्या करता है, टॉक के जम्प टॉक, तो यहाँ पे क्या आएगा, TALK टॉक, आई टॉक विथ माई माउथ, ओके। ये स्टैंडिंग लाइन नहीं है ना, ये वन है, ये क्या है, आई है, ओके। चलो नाउ नंबर टू, आई डैश विथ माई हैंड, हैंड के साथ मैं क्या करती हूँ, READ रीड, और WRITE राइट, मैं रीडिंग करती हूँ कि राइट करती हूँ हैंड के साथ, हैंड के साथ, चलो मैं क्या कर रही हूँ अभी, राइटिंग, तो क्या आएगा, हैंड के साथ हम लोग क्या करते हैं, राइट, तो आई राइट विथ माई हैंड, ओके। या मैं चेक करूंगी आपका, आपने कैसे, और मम्मा की हेल्प इसमें बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि ये आप सब बहुत स्मार्ट एंड अच्छे स्टूडेंट्स हो ना, तो ये आपको अच्छे से आ जाएगा। तो अगर मम्मा इसमें आपकी हेल्प करे ना, तो आपको मना करना है कि मम्मा मैं स्मार्ट हूँ एंड मुझे आता है, तो मैं ये खुद करूंगा, ओके। ये एट के एट फिल इन द ब्लैंक्स आपको खुद करनी है। चलो अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन टू, तो इसमें क्या लिया है, UNDER LINE लाइन, अंडरलाइन, अंडरलाइन मीन्स नीचे लाइन करना, ओके। अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स, अभी अंडरलाइन मतलब लाइन कहाँ करनी है, जो एक्शन वर्ड्स है ना उसके नीचे, ओके। तो चलो नंबर वन, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में क्या करता हूँ, गेट अप मीन्स उठना, तो वो एक्शन हुई उठने की, यस, तो गेट अप क्या है, एक्शन वर्ड है, ओके। ऐसे आपको नीचे अंडरलाइन करनी है एक्शन वर्ड के नीचे, पहले आपको अच्छे से पूरा सेंटेंस रीड करना है, फिर उसमें सोचना है कि इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो एक्शन कर रहा है, ओके, मींस आपको एक्शन वर्ड फाइंड करना है, एक्शन वर्ड फाइंड होते ही आपको उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, ओके। चलो नंबर टू, आई से गुड मॉर्निंग टू माई मम्मी एंड डैडी, आई से गुड मॉर्निंग टू माई मम्मी एंड डैडी, मैंने मम्मी एंड डैडी को क्या बोला, गुड मॉर्निंग, तो इसमें बोलने की एक्शन हुई, यस, हाँ, तो क्या एक्शन हुई, से बोलने की, तो ये एक्शन वर्ड है, तो इसके नीचे अंडरलाइन आएगी, ओके। चलो नंबर थ्री, आई वॉश माई फेस, आई मतलब मैंने क्या किया, कौन सी एक्शन करी, फेस को वॉश करने की एक्शन, किसकी एक्शन, वॉश करने की, तो वॉश अगेन क्या हुआ, एक्शन वर्ड, तो अगर एक्शन वर्ड मिल जाता है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देनी है, कितना सिंपल है ना, ओके। चलो तो ये भी एक्सरसाइज आपको खुद रीड करनी है, और ये सारे वर्ड्स आपको न्यू वर्ड्स में आ चुके हैं, तो आपको रीडिंग भी आती है इन सब वर्ड्स की, है ना, तो ये आप खुद ट्राई करना, ठीक है स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर।